लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्य में मजदूर फंस गए हैं और वो लगातार घर लौटना चाहते हैं। इसी बीच खंडवा जिले की एक निजी फैक्ट्री में बिहार के 150 मजदूर फंस गए थे। लॉकडाउन बढ़ने से मजदूरों के पास खाने का संकट और घर की चिंता सताने लगी थी, जिसके बाद मजदूरों ने विधायक राम डांगोरे से संपर्क किया तो उन्होंने मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों से बात की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद विधायक ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से इस संबंध में चर्चा की, जिसके बाद बिहार सरकार मजदूरों की घर वापसी पर राजी हुई। 150 मजदूर जो हमारी विधानसभा में मिल है वहाँ कार्यरत है और सभी बिहार के हैं, तो 7-8 दिन पहले पता चला कि वापस जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर बिहार सरकार से हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी। एडीएम मैडम नंदा भलावे जी ने भी हमें खूब कोऑपरेट किया, वो भी लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से बात करती रही। असल में वहाँ से अनुमति नहीं मिल पा रही थी, बिहार सरकार के जो इनका एक छपरा जिला है और एक आरा करके जिला है और एक दो जगह और है, तो अनुमति नहीं दे पा रहे थे। फिर सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, उनसे भी हमने बात करी कि बिहार के ऐसे ऐसे इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए और हम उनको भेजना चाह रहे, सारी व्यवस्था कर देंगे हम भेजने की, लेकिन बिहार गवर्नमेंट हमको अनुमति नहीं दे रही है। फिर उनके ऑफिस से वहाँ पर संपर्क किया गया तो थोड़ी और प्रशासनिक अधिकारी बात करने की स्थिति में आए। सांसद जी हमारे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भी लगातार शासन से बातचीत करी और फिर उन्होंने अनुमति दी और यहाँ से भी अनुमति हुई। आज बसों की व्यवस्था हुई और करीब 150 बिहारी मजदूर यहाँ से उनके घर जा रहे हैं, उनमें करीब 35 महिलाएं हैं, 15 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर लौटने से मजदूर बहुत खुश हैं और विधायक राम डोंगारे को धन्यवाद कर रहे हैं। बिहार जा रहे हैं और 1.5 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे और 1.5 महीने से फंसे थे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद मिस्टर नंद कुमार सिंह चौहान एंड पंधाना के राम दंगोड़े, इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे कंपनी के जो कर्मचारी हेड है जो, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। खाना पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हर चीज़ में हमारा मदद किया गया है। अब आप लोग अपने परिवार में वापस जा रहे हैं? हाँ, हम लोग बिहार जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि 1.5 महीने से हम फंसे थे, कोरोना में सब जगह से नहीं जाया जा रहा है, मगर इन लोगों के कारण हम बहुत खुश हैं, हम लोग जा। आपको बता दें कि खंडवा से 3 बसों में 150 मजदूरों को रवाना किया गया है। मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था बस में ही की गई है। इससे पहले निजी फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों ने घर जाने की खुशी में अपने राशन 5 दिन पहले ही दूसरों को बांट दिया था। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।